लैक्मे फैशन वीक का चौथा दिन नाम रहा सिर्फ फैशन के। बॉलीवुड की कमी तो महसूस हुई, लेकिन मिनीषा लांबा और करण जौहर जैसे सेलेब्स के आने से थोड़ा फायदा जरूर हुआ। आखिर दोनों ही अपने बिजी फैशन डे की चर्चा जो कर रहे थे। मिली अब तक की सबसे छोटी मॉडल मिनीषा लांबा से, जिन्होंने कद के मामले में रिया सेन को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब लैक्मे फैशन वीक पर वो चली डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल के लिए तो तारीफें जरूर बटोरी। लैक्मे फैशन वीक पर बॉन्ग कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। एक तरफ साब्यसाची मुखर्जी के चर्चे हैं हर तरफ, तो दूसरी ओर डिजाइनर अग्निमित्रा और सौमित्र के नाम भी गूंजे। और बात आए इन बॉन्ग डिजाइनर्स की, तो रिच हेरिटेज आ ही जाता है सामने। ये दिन रहा बिजी करण जौहर के लिए, जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अपना वक्त सिर्फ फैशन वीक पर ही बिताया। फैशन से प्यार करने वाले करण खुद एक डिजाइनर भी हैं, लेकिन कभी अपनी कलेक्शन को रैंप पर उतारने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ सरप्राइज मिला मनीषा कोइराला को देखकर, जो बिल्कुल ही अलग अवतार यानी ब्लॉन्ड लुक को पोर्ट्रे कर रही थी। हर तरफ खबर चल रही है कि मनीषा के करंट बॉयफ्रेंड का साथ भी उनसे छूट गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डिजाइनर फ्रेंड्स लिकोने और हेमंत सागर के शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पीसफुल रहा डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स का शो। पीसफुल इसलिए क्योंकि इस ऑल वाइट कलेक्शन को देखकर सबको शांति मिली, और वेंडल के हर कलेक्शन की तरह इस बार भी सबको फ्रीडम महसूस हुआ। ये दिन देखकर तो ऐसा ही लगा कि फैशनिस्टास के बीच कभी कभी फैशन सर्किट से ज्यादातर दूर रहने वाले लोग भी नजर आ जाते हैं, और इससे देखने वालों को भी एक चेंज मिल जाता है। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।